हे दोस्तों, आपने कई मूवीज में बहुत से हीरो को बहुत अच्छे अच्छे टाइप के सूट पहने देखा होगा, वो भी अलग अलग डिजाइन के। वैसे हम लोग सूट नहीं पहनते हैं, इसलिए हमें पता भी नहीं होता है कि सूट क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं। लेकिन फिर भी किसी को अच्छा सूट पहने हुए देखकर भी हमें अच्छा ही लगता है, भले हमें उस सूट का नाम ही ना पता हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सभी टाइप के सूट के नाम पता चल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला मेंस सूट जो है वो है ये, इसे स्लिम फिट सूट कहते हैं। ये यूजुअली टाइट होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं। दूसरा टाइप का सूट जो है वो है ये, इसे क्लासिक फिट सूट कहते हैं। ये सूट स्लिम फिट सूट से थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसे मॉडर्न फिट सूट कहते हैं और ये यूजुअली स्लिम और क्लासिक फिट सूट का कॉम्बिनेशन होता है और यही वाइडली यूज सूट है। इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, सूट के इस पार्ट को लेपल कहते हैं और ये अलग अलग डिजाइन के होते हैं और इसी डिजाइन के बेस पे सूट के नाम भी दिए गए हैं। जैसे इसे नॉच लेपल सूट कहते हैं, इसमें इस तरह की डिजाइन होती है जिसे नॉच लेपल कहते हैं और इसलिए इसे नॉच लेपल सूट कहते हैं। इसे शॉल लेपल सूट कहते हैं और इस डिजाइन को शॉल लेपल कहते हैं और इसलिए इस टाइप के सूट को शॉल लेपल सूट कहते हैं। इसे पिक लेपल सूट कहते हैं, इसमें इस तरह की डिजाइन होती है जिसे पिक लेपल कहते हैं और इसलिए इसे पिक लेपल सूट कहते हैं। दोस्तों, लेपल के नीचे के हिस्से को जहाँ पे बटन होते हैं उसे ब्रेस्टेड कहते हैं और इसके आधार पे भी सूट के नाम होते हैं। जैसे ये, इसे सिंगल ब्रेस्टेड सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट में सिंगल ब्रेस्टेड डिजाइन होती है, यानी इसमें बटन लगाने के लिए सिंगल लाइन होती है, इसलिए इसे सिंगल ब्रेस्टेड सूट कहते हैं। इसे डबल ब्रेस्टेड सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट में डबल ब्रेस्टेड डिजाइन होती है, यानी इसमें बटन के लिए दो साइड बाय साइड लाइन होती है, इसलिए इसे डबल ब्रेस्टेड सूट कहते हैं। इसे अनस्ट्रक्चर्ड ब्लेजर कहते हैं। इस टाइप के सूट में मिनिमम कैनवास होते हैं और थिन शोल्डर होते हैं और ये आजकल समर सूट और स्पोर्ट कोट के तौर पर काफी पसंद किया जाता है। इसे पैच पॉकेट ब्लेजर कहते हैं। इस टाइप के ब्लेजर में पैच पॉकेट होता है, जिसका मतलब है कि ये जो पॉकेट होता है वो ब्लेजर के बाहर की साइड से ही सिलाई किया हुआ होता है, जिसे पैच कहते हैं और इसलिए इसे पैच पॉकेट ब्लेजर कहते हैं। इसे सेंटर वेंट सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट में ये वेंट यानी कट बीच में होता है, इसलिए इसे सेंटर वेंट सूट कहते हैं। इसे साइड वेंट सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट में वेंट यानी जो कट होता है वो दोनों साइड में होता है, इसलिए इसे साइड वेंट कट सूट कहते हैं। इसे नो वेंट सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट में कोई वेंट यानी कोई कट नहीं होता है, इसलिए इसे नो वेंट सूट कहते हैं। इसे फ्लैट फ्रंट पैंट सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट में पैंट के आगे का हिस्सा फ्लैट होता है, इसलिए इसे फ्लैट फ्रंट पैंट सूट कहते हैं। इसे प्लीटेड पैंट सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट में पैंट में प्लीट्स होती हैं, इसलिए इसे प्लीटेड पैंट सूट कहते हैं। इसे कफ्ड पैंट सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट में पैंट को नीचे से कफ किया होता है यानी फोल्ड किया होता है, इसलिए इसे कफ पैंट सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट को सॉलिड सूट कहते हैं और इस टाइप के सूट को स्लिम सॉलिड फिट सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट को पार्टी सूट कहते हैं। इसे बंद गला सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट को बंद गला सूट कहते हैं क्योंकि इसमें गले का पार्ट पूरी तरह से बंद होता है। और इस सूट को तो आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप के सूट को वेडिंग सूट कहते हैं। इसे टू पीस सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट में जैकेट और ट्राउजर मिला के टू पीस यानी दो पीस ही होते हैं, इसलिए इसे टू पीस सूट कहते हैं। इसे थ्री पीस सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट में जैकेट और ट्राउजर के अलावा वेस्ट कोट भी होता है यानी तीसरा पीस भी होता है, इसलिए इसे थ्री पीस सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट को फॉर्मल सूट कहते हैं। कभी भी कोई भी छोटी मोटी इवेंट या ओकेजन पे पहन सकते हैं। इसे टक्सीडो सूट कहते हैं। इसे ब्रिटिश इंग्लिश में डिनर जैकेट कहते हैं क्योंकि इस टाइप का सूट किसी के साथ डिनर पे जाते हैं उस वक्त पहनते हैं। और इसे अमेरिकन इंग्लिश में टक्सीडो कहते हैं, जिसे शॉर्ट में टक्स भी कहते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का जो आखिरी सूट है वो है ये, इसे स्लिम फिट टक्सीडो सूट कहते हैं। इस टाइप के सूट को टेलर्ड टक्सीडो भी कहते हैं क्योंकि ये आपके बॉडी के फिटिंग के हिसाब से सिला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 26 टाइप के मेंस सूट के नाम बताए हैं और वो भी उनकी छोटी सी डिटेल और डेफिनेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन काम आएगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टाइप के सूट को इंग्लिश में क्या कहते हैं। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीणा को और चैनल के आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।